वो जी जबरदस्ती करने लगे मम्मी के लजी कमरे में और मुंह बीच का मेरे मुंह पे इंगा भी रहा पट इंगा भी रहा पट को पिटी में जो मेरी आवाज ना लिखना जंग दे दो नहीं थर गोली मार देंगे और तो बारले देश का पीस आ जाएगा ऐसा चुनाव आगे ना कोई कार्रवाई नहीं की कुछ नहीं की मैं कुछ कहकर मर जाऊंगी मैं अपनी जान दे दूंगी। कैथल लघु सचिवालय में रो रो कर बयां कर रही अपनी पीड़ा महिला का आरोप है कि पड़ोसियों ने उनकी जमीन को हड़पने के लिए ऐसा व्यवहार किया कि बताने में भी शर्म आती है। पति शराबी है और सास ससुर मजबूर। मेरा नाम आरती है और सुनील मोहित गोरी आरान वो अनिल उन्होंने एक का जबरदस्ती लेज का कपड़ा देगा। देखो मेरा मुंह मुंह बीच का मेरे मुंह पे इंगा भी रापट इंगा भी रापट को पिटी में जो मेरी आवाज ना लिखना मेरे लड़के ने मैं देख ली और मैं उन पर छुटका भागी थोड़ी सी जैसे इतनी दूर रह जा उनका उनकी लगाई हो ना घेर का मैं पिटी फिर मैं नंगे ही पैर देख मैं थाने कानी भागी मैं बेहोश होगी दीदी जी नहीं जी कोई कार्रवाई नु कब है मैं तो बहरले देश का पैसा है मैं तो छूट जाएंगे तो के करेगी कार की तरफ तो ना जावे मैं वो कहूँ राजन थाने का ऐसा चुनाव आगे ना कोई कार्रवाई नहीं की कुछ नहीं की मैं कुछ कहकर मर जाऊंगी मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनील ने मेंबर ने मैं मेरे तसरे फीतसरे लगा मेरे तसरे फीतसरे दरवाजा बंद करवाना चाहवे मैं करना नहीं चाहती अपनी जांकी चौकट लगाना चाहवे मैं लगाना नहीं चाहती। सारे मैंने फिर ली थक ली अब मैं डीसी के पास आई हूँ मेरे साथ मेरा लड़का और मैं अकेली हूँ परिवार मेरे मेरे सास की आंख बन रही है उस पर भी जानलेवा हमला हुआ है मेरी दुरानी पर भी मेरी दुरानी वही घर है भाई कहीं कुछ चोरी चारी कुछ और ना जावे मेरा पति पीवा जी मैं सच बोल रही हूँ झूठ नहीं पी ला मेरा आदमी केली करका मारी जी मैं केली करका छेती में तो देखो मेरे बाल देखो नहीं जी पड़ोसियों ने छेती जी पति ने नहीं मेरे पास योरी थाने की पर्ची है जी यो दी थी शिकायत मैंने थाने की पर्ची था राजोन मैं सच ने कोई कार्रवाई नहीं कही ये इसमें तारीख है जी 5 तारीख ने जी लो जी महिला की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। मां के साथ हुई बदसलूकी से 11 साल का बच्चा गवाह है। वहीं बच्चे ने बताया कि पड़ोसी ने उसकी मां के साथ जबरदस्ती की। न्याय के लिए लघु सचिवालय में उपयुक्त उपायुक्त से मिलने आए हैं। क्या कुछ हुआ आपकी मम्मी के साथ? वो जी जबरदस्ती एक दिन तक पहले शाम ना आए थे जी गोली मारने एकदम कह गए इनका जगह दे जाओ जगह दे दो नहीं थारा गोली मार देंगे और तो बारले देश का पीस आ जाता है। कौन है बेटा क्या नाम है? सुनील मेरा जी हूँ तो बाबा लागा जी। क्या लगता है? बाबा लागा जी हूँ तो बाबा दादा सगन लगता जी वैसे पड़ोस में बाबा लागा जी। जगह का मामला है क्या? हाँ जी पड़ोसी जगह का कब्जा करने जा रहे हैं? ना जी दा वो माँ जी की आँख मिल रही है जी और बाबा रोटी बड़े बड़े भाई का पालन पोषण करे जी और हैंडीकैप है जी। पापा क्या करते हैं? रेडी रिक्शा चलावा जी। वो नहीं आया आपके साथ? वो उस गांव में ही है जी। अच्छा। तो कब का मामला है बेटा ये? ये जी 5 तारीख ने तो मैं गोली मारने की धमकी दे गए थे जी पर मैं थाने में दरखास्त दे आए पर 6 तारीख ने उन्होंने सुबह आने को मेरी मम्मी के साथ जबरदस्ती करी मेरे पास 2 फोन खोज कर ले गए मेरा मारा और जाते बस। तो पुलिस ने कोई इसमें मामला दर्ज किया? मामला दर्ज तो करवाया था पर इनको अपने आप निपटाने का कह गए बयान भी ढंग से नहीं ले गए धमका का बयान ले गए हॉस्पिटल में। आप क्या आप किसे मिलने आए हो? डीसी था। क्या मांग करते हो आप? क्या इसी कर रहे हैं? इंसाफ होना चाहिए हमारे गल्ला। उम्र कितनी है आपकी बेटा? उम्र 12। 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ो? मैं 6th में। वहीं पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे हैं। मेरे संज्ञान में नहीं था मामला। मैंने अभी एसएचओ से बात करी इस बारे में। एसएचओ साहब ने बताया कि मेरे पर पारिवारिक झगड़ा है आपस में लेडी लेडीज का झगड़ा है। पुलिस दे दी गई है सर। कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक। उनके आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि दूसरी पार्टी है जो पैसे वाली है इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनेगी कर दी जाएगी। एसएचओ बोल दिया मैंने अभी।
जो जायज कानून कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई करे। एसएचओ द्वारा क्या बताया गया सर, इनके एफआईआर वगैरह दर्ज किए? रिपोर्ट लिखी हुई है दोनों तरफ से, दोनों पार्टी एडमिट है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।